गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और आज के इस क्लास में हम लोग नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने की संभावना। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। और इसमें अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस एनिमल किंगडम की। इस क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, स्टडी को आसान बनाना, इसके अलावे टू असाइन अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है इसका एक खास पोजीशन होना। क्लासिफिकेशन का बेसिस लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, अभी सबके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। जैसे यदि लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम लोग करें तो यहां 3 या 4 लेबल हो सकते हैं। जैसे एक सेलुलर लेबल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में, सेलुलर लेबल, टिश्यू लेबल, ऑर्गन लेबल, और फिर ऑर्गन सिस्टम लेबल। ऑर्गन सिस्टम लेबल, देखो सेलर लेबल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जहां बहुत सारे सेल तो हैं लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो सेलर लेबल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलेगा कहां, पॉरीफेरा में। जबकि टिश्यू लेबल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नॉन कॉर्डेट के 2 फाइलम में देखने को मिलेंगे, ये सिलेंट्राटा, सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन लेबल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये प्लेटीहिलमिंथस, लेकिन इसके बाद जो भी फाइलम या क्लास आएंगे उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, उनमें लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेबल का, तो इसके बाद आने वाले एस्क हेलमिंथस से लेकर कोडाटा तक। एक बात और, ये बात हो गई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो यूनिसेलर एनिमल हैं, यूनिसेलर एनिमल जैसे प्रोटोजोआ में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यहां पर प्रोटो प्लाज्मिक लेबल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे प्रोटोजोआ में। तो हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेबल का एनिमल किंगडम के लिए, जो पॉरीफेरा में, टिश्यू लेबल का सिलेंट्राटा टीनोफोर्स में, ऑर्गन लेबल का प्लेटीहेलमिंथ में, आपने सही बताया रानू सिंह ने, प्रोटोप्लाज्मिक, बिल्कुल प्रोटोप्लाज्मिक लेबल प्रोटोजोआ में, और ऑर्गन सिस्टम लेबल एस्केलमिंथस टू कोडाटा एनिमल किंगडम में। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स, जो हम लोग एनिमल्स देखते हैं इनका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म डिफरेंट होता है। एज ओवर 1 मिलियन स्पीसीज, अप्रॉक्स 12.5 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलर. जैसा कि हमने बताया इस एनिमल किंगडम में मल्टी सेलर एनिमल को ही रखे गए हैं, जबकि यूनिसेलर एनिमल को रखा गया है कहां? प्रोटोजोआ में. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सब में डिफरेंट टाइप का, जैसा कि हमने अभी देखा, जो अभी हमने देखा वो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ. इकाइनोडर्म एंड क्वाडेट्स ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम. इच सिस्टम कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. यहां पर एक ब्रीफ है, जितने भी फाइलम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सबके बारे में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहां पर लिखा हुआ है. अब देखो ये ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. एक हमने बात की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, सेलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं, यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है. एक या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उस सर्कुलेटरी सिस्टम को कहेंगे जहां ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड. और ये एनिमल किंगडम में तीन फाइलम में पाया जाएगा, दैट इज आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकोडाटा. हमने कहा ये जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तीन जगह पर होगा. कहां कहां? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड बिसाइड दिस हेमिकोडाटा. जबकि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जहां ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड या ब्लड इज प्रेजेंट इनसाइड द वेसल, और ये दो जगह पर पाए जाएंगे. यहां पर आर्टरीज, वेन एंड अनदर कैपिलरी होंगे. और इसका दो एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलेगा, एक एनेलिडा एंड बिसाइड दिस कॉर्डाटा. तो हमने सीखा सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर दो तरह के एनिमल, क्लोज एंड ओपन. क्लोज जहां ब्लड इज प्रेजेंट इनसाइड द वेसल, और इसका दो एग्जांपल हमने बताया, एक एनेलिडा एंड दूसरा कॉर्डेट्स, होल कॉर्डेट्स. जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकोडाटा. यदि सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री के आधार पर भी एनिमल का तीन कैटेगरी होता है. और सिमेट्रिक इन दिस केस एनिमल्स आर नेबर डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन. किसी भी प्लेन से यदि एनिमल को दो बराबर भाग में नहीं बांटा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे असिमेट्रिक. असिमेट्रिक सपोज ये कोई एनिमल है, अब इस एनिमल को किसी भी प्लेन से दो बराबर भाग में नहीं बांटा जा सकता है. हमने कहा एनिमल्स आर नेवर कट इंटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन. टेल मी एनीवन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ असिमेट्रिक एनिमल? असिमेट्रिक एनिमल का क्या एग्जांपल होगा? बताएं मेरे को. पॉरीफेरा, बिल्कुल सही. इसका एग्जांपल होगा पॉरीफेरा. जबकि सेकेंड वन इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री जहां एनिमल्स आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन. आदर्श कुमार, सुरभि राणा, रागिनी सिंह, सभी लोग का सही जवाब. रेडियल सिमेट्री, एनिमल्स आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन. और इसमें एग्जांपल होंगे सिलेंट्रेट्स या सिलेंट्राटा
टीनोफोरा फाइलम और एडल्ट ऑफ इकाइनो डर्माटा, क्योंकि इकाइनो डर्माटा के लार्वा में सिमेट्री प्रेजेंट होता है रेडियल सिमेट्री इकाइनो डर्माटा के एडल्ट में, जबकि उसके लार्वा में प्रेजेंट होंगे बाइलेटरल सिमेट्री। नंबर सी, बाइलेटरल सिमेट्री जहां एनिमल्स आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। सपोज ये कोई एनिमल है हमारे पास, तो इस एनिमल को एक प्लेन से दो बराबर भाग में बांटा जा सकता है। इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल होगा स्टीनोफोरा के बाद आने वाला प्लेटीहेलमिंथस। तो प्लेटीहेलमिंथस टू क्वाडाटा। और इसके अलावे लार्वा ऑफ इकाइनोडर्माटा जर्म लेयर की बात करें, तीन जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। यदि तीनों जर्म लेयर कहीं पर प्रेजेंट हैं तो ऐसे एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जहां इक्टोडर्म, मीजोडर्म, आगे हम लोग इसको डायग्राम से भी देखेंगे, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। और इसका एग्जांपल प्लेटीहेलमिंथस टू मैमल्स या क्वाडाटा, और दूसरा डिप्लोब्लास्टिक जहां इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, मीजोडर्म एब्सेंट होगा। यहां सिर्फ इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एग्जांपल सिलेंट्राटा, आफ्टर दैट टीनोफोरा। यहां पर ये डिप्लोब्लास्टिक में ये बाहर में इक्टोडर्म, अंदर में इंडोडर्म, और दोनों के बीच में ये मीजोडर्म। जबकि प्लेटीहेलमिंथस से लेकर क्वाड्रेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहां इक्टोडर्म भी है, इंडोडर्म भी है, और इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में ये मीजोडर्म का लेयर है। अगर ये तीन प्रेजेंट है देन ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यदि सिलोम की बात करते हैं, सुरभि ने पूछा सर रेडियल और बाइलेटरल में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने बताया कि इफ एनिमल्स आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, सपोज ये कोई एनिमल है और इसको किसी भी प्लेन से दो बराबर भाग में बांट दिया जाए तो इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। जबकि इफ एनिमल्स आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन, जैसे हम लोग हैं, बल्कि प्लेटीहेलमिंथस से लेकर क्वाड्रेट्स तक एक्सेप्ट एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्माटा सभी बाइलेटरल सिमेट्री के अंतर्गत ही आते हैं। अब है सिलोम। हमने कहा अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, बॉडी वॉल और गट के बीच की कैविटी को हम लोग सिलोम कहते हैं। और सिलोम के आधार पर भी तीन तरह के एनिमल होते हैं, एक असिलोमेट, जैसे यहां देख रहे हैं, मान लो ये बॉडी वॉल है यह है बॉडी वॉल और यह है इसका गट, तो दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई कैविटी नहीं, एंड इट इज कॉल्ड असिलोमेट।
और असिलोमेट का एक ही एग्जांपल दैट इज प्लेटी हिलमिंथस, जबकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट के में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर सिलोम आर प्रेजेंट एज मेनी स्मॉल पॉचेस, और इसका इस स्यूडोसिलोमेट का यह स्यूडोसिलोमेट स्यूडोसिलोमेट और इसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है दैट इज एस्केलमेंथस, जबकि यदि इसके आगे बढ़े जहां ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट बॉडी वॉल एंड गट के बीच में तो इट इज कॉल्ड सिलोमेट। एस्केलमेंथस के बाद कौन से फाइलम आएंगे, एनेलिडा, तो दैट मींस इसका एग्जांपल होगा एनेलिडा टू कॉर्डाटा। अगेन आई रिपीट, हमने कहा असिलोमेट प्लेटी हेलमिंथस, स्यूडोसिलोमेट एस्केलमेंथस, जबकि सिलोमेट एनेलिडा टू मेमेलिया, आपने भी सही लिखा, पीहो सिंह ने लिखा है, जबकि एनेलिडा टू क्वाडेट्स आएंगे किस कैटेगरी में, सिलोमेट। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, दो तरह का सेगमेंटेशन, एक फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं किफ एक्सटर्नल डिवीजन नेवर कॉरेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल डिवीजन, या एक्सटर्नल डिवीजन नेवर कॉरेस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, इट इज कॉल्ड फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन, और ये देखने को मिलेगा प्लेटी हेलमिंथस, जिसको जिसका एग्जांपल टेपवर्म है प्लेटी हेलमिंथस, एंड इफ एक्सटर्नल डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंटरनल डिवीजन, बाहर से पता चल जाए कि कौन सा बॉडी पार्ट कहां पर ऑर्गेनाइज है, तो इट इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये देखने को मिलेंगे एनेलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में एंड क्वाडेट्स में। हमने कहा ट्रू सेगमेंटेशन, या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जहां एक्सटर्नल डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंटरनल डिवीजन, और इसका एग्जांपल आपको याद रखना होगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड क्वाड्राटा। तो ये सेगमेंटेशन के आधार पर नोटोकॉट, इसका ओरिजिन क्या होगा, मेसोडर्मल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो एब्सेंट होते हैं पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्माटा तक, क्वाड्रेट में तो प्रेजेंट हो गई, इसका पोजीशन डॉर्सल होगा, जबकि हेमिकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसके कॉलर रीजन में, जिसको हम लोग स्टोमक क्वाड कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड द बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एनिमल किंगडम, सेलर लेवल में आने वाला जो एसिमेट्रिक होगा पॉरीफेरा, इसके अलावा टिश्यू लेवल में, टिश्यू लेवल में भी ये रेडियल सिमेट्री, तो यहां पर सिलेंट्राटा टीनोफोरा, इसके बाद ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल में बाइलेटरल सिमेट्री जो हमने देखा प्लेटी हेलमिंथस से लेकर क्वाडेट्स तक, तो यहां पर असिलोमेट प्लेटी हेलमिंथस, स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिंथस, और जहां ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा हमने बताया एनेलिडा से लेकर क्वाडाटा तक। जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट भी है और बाइलेटरल सिमेट्री भी है, अब बताएं इसका आंसर आप लोग। सिलोमेट भी है और बाइलेटरल सिमेट्री भी है,
What is the correct answer? उन्होंने बताया ए, ए क्यों होगा? एस खेलमिंथस तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह सिलोमेट नहीं है, यह स्यूडो सिलोमेट है। प्लेटी हेलमिंथस भी असिलोमेट है, यह भी आंसर नहीं होगा। इकाइनोडर्म सिलोमेट तो है लेकिन रेडियल सिमेट्री। देन करेक्ट आंसर इज चॉइस नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब। अभिषेक चौधरी, संदीप कुमार, रानू सिंह, बायोलॉजी नोट्स भी किसी का नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, सभी लोगों का सही आंसर। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सीलोम, अभी हमने देखा। अब एक सवाल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, ऑर्गन लेवल का बॉडी डाइशन है लेकिन असिलोमेट है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट कहां से होगा? प्लेटी हेलमिंथस है और असिलोमेट भी, इसका आप लोग आंसर बताएं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लेटी हेलमिंथस, दुबे जी सही बता रहे हैं, चौधरी जी का भी सही जवाब है, तो लॉक कर देते हैं इसको, प्लेटी हेलमिंथस। फाइंड द करेक्ट मैच, इसमें करेक्ट मैच कौन सा होगा, इसका भी आंसर आप लोग बताएं मेरे को। हाँ, उसमें सभी लोगों का सही जवाब, रागनी सिंह, रश्मि रानी, विशाखा कुमारी, अच्छा इसका लोग बता रहे हैं, इस सवाल का जवाब बी, फाइंड द करेक्ट। तो निडेरिया में बाइलेटरल सिमेट्री होगा क्या? सर मैं चांद से लाइव होके आपका वीडियो देख रहा हूं, वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर डी, चूंकि एस खेलमिंथस में रेडियल सिमेट्री नहीं होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होंगे, निडेरिया में बाइलेटरल सिमेट्री ना होकर रेडियल सिमेट्री होगा, पॉरीफेरा में रेडियल सिमेट्री ना होकर असिमेट्रिक होगा, एंड एनेलिट्स बाई सिमेट्रिक होंगे। मेटामरिज्म इज सीन, मेटामरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन, तो अभी हमने बताया था एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा, तो अर्थवर्म इज एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, सो अर्थवर्म इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं पॉरीफेरा के। पॉरीफेरा दो टर्म से मिलकर बना है, पोरस, पोरस का मतलब होता है पोर, और यह है फेरी, फेरी का मतलब होता है बियरिंग। पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड पॉरीफेरा, एक्वेटिक होंगे एंड मोस्टली मैरीन, ऑल मैरीन नहीं, क्योंकि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, देन मोस्टली मैरीन। सिमेट्रिक कैसा होगा? असिमेट्रिक, अभी हमने सीखा असिमेट्रिक। लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मैं भूल गया, आप लोग बताएं इस पॉरीफेरा में लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा या ऑर्गन सिस्टम होगा? एनीवन? सेलुलर लेबल,
बिल्कुल सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी की अगर बात करें तो इन जनरल इट इज सराउंडेड बाय टू वॉल लेयर। यहां टू वॉल लेयर है, इस तरह से आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर इज कॉल्ड कोएनोडर्म। दिस इज द कोएनोडर्म। कोएनोडर्म अ लेयर ऑफ मेसेनकाइम इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू लेयर। यह है मेसेनकाइम। दे हैव माइन्यूट पोर कॉल्ड इट ऑस्टियम। इस ऑस्टियम के द्वारा वाटर एंटर्स इनटू द पोरिफेरन एंड पोरिफेरा हैज ए लार्ज कैविटी। इट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसिल। इसको हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्जोसिल एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस स्पॉन्जोसिल इज लाइंड बाय कोएनोसाइट या कॉलर सेल। यह है कोएनोसाइट या इसी को कहेंगे कॉलर सेल। वाटर पासिस आउट थ्रू अनदर पोर इट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम एंड इट इज गार्डेड बाय मायोसाइट। अगेन आई रिपीट, हमने बताया इसके बॉडी के बारे में। नमस्ते जी, शुभम सागर। फाइलम पोरिफेरा के बॉडी के बारे में हमने कहा कि बॉडी सराउंडेड बाय टू वॉल लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनेकोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड क्वेनोडर्म। अ लेयर ऑफ मेसेनकाइम इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू लेयर। दे हैव माइन्यूट पोर कॉल्ड इट ऑस्टियम बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द पोरिफेरन। दे हैव अ लार्ज कैविटी कॉल्ड इट स्पॉन्जोसिल विच इज लाइंड बाय कोएनोसाइट और कॉलर सेल एंड वाटर पासेस आउट थ्रू ऑस्क्यूलम विच इज गार्डेड बाय मायोसाइट। बिसाइड दिस स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ सम स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर, अब देखो इस फाइलम पोरिफेरा की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। ये खास कैरेक्टरिस्टिक है वाटर कैनाल सिस्टम। कभी आप लोग कंफ्यूज ना करें, एक यहां एनिमल किंगडम में वाटर वैस्कुलर सिस्टम और इस पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इज द पिक्यूलियर और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरिफेरा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम? इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड बिसाइड दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने का क्या बेनिफिट होगा? सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब देखो आपको काम क्या करना है, मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं आपके नीट के एग्जाम के लिए। इस पोरिफेरा के बारे में एक्वेटिक एनिमल मोस्टली फाउंड इन मैरिन, सेलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान यहां पर कैसा होगा,
सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। एक बात और, डाइजेशन दो तरह के होंगे, इनसाइड द सेल इंट्रासेलर, आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रासेलर। तो ध्यान रहे, इन पॉरिफेरा डाइजेशन इज विच टाइप, इंट्रा सेलुलर, इसको ध्यान में रखना है, वाटर कैनाल सिस्टम। और इसके अलावा ये स्पाइक्यूल स्केलेटन के पास स्पाइक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर, वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्टियम एंड पासेस आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। डाइजेशन अभी हमने बात की, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा यहां, इंट्रासेलुलर। रिस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन से, एक्सक्रीशन भी अभी हमने देखा। रिप्रोडक्शन, यहां रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से हो सकता है। एक बात और, दो तरह के एनिमल होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल जिसको डायोसिस भी कहते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द क्वाड्रेट्स, ऑल क्वाड्रेट्स, इसके अलावा इकाइनोडर्म्स, हेमीक्वाडाटा, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एस्कलमिंथस, ये सब यूनिसेक्सुअल एनिमल हैं। लेकिन पॉरीफेरा, सिलिंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, मोस्ट ऑफ द एनेलेट्स, इनको हम लोग बाईसेक्सुअल या मोनोसियस कहते हैं। और इसी के लिए एक नया टर्म होता है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। तो ये एनिमल कैसा है जी? बाईसेक्सुअल, दैट मीन्स मोनोसियस। और इसी का एक और नाम है हर्माफ्रोडाइट, दैट मीन्स बोथ टाइप ऑफ सेक्स आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल। यहां रिप्रोडक्शन दो तरह से, असेक्सुअल भी और दूसरा सेक्सुअल भी। असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, और इसी के ट्वेल्थ में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल इज एन इंटरनल बडिंग विच अकर्स ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। ये इस चैप्टर में ऐड नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग पॉरीफेरा पढ़ रहे हैं तो इसको जानना होगा। यह है गेम्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट से होगा। इसके अलावे दो तरह का डेवलपमेंट, इफ लार्वा इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हां बिल्कुल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमने कहा कि इफ लार्वा इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड इफ लार्वा इज एबसेंट इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर डेवलपमेंट एनसीईआरटी के अनुसार इनडायरेक्ट होता है। नीट के लिए या एनसीईआरटी में इसके लार्वा का नाम नहीं दिया है, जैसे एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला, इसमें अभी हम लोग को टाइम खर्च नहीं करना है, हम लोग को उतनी ही बातें अभी पढ़नी है नीट के लिए जो एनसीईआरटी में गिवन है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल साइफा, जिसको साइकॉन कहते हैं, इसके अलावे यू स्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज, एंड एनदर वन इज स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यही तीन एग्जाम्पल को हम लोग को याद करना होगा। इसके अलावा भी जैसे क्लायोना होता है, हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री, ये सब हम लोग को नीट के लिए याद नहीं करना है। जैसे यहां एक सवाल है, इन केस ऑफ पॉरीफेरन्स द स्पॉन्जो सेल इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो अभी हमने कहा कि इसको हम लोग या तो कॉलर सेल कहेंगे या इसको क्वेनोसाइट कहेंगे। अब सिलिंट्राटा की बात करते हैं, यह भी एक्वेटिक होगा,
मोस्टली मैरीन होगा, ऑल नहीं, मोस्टली मैरीन। सिमेट्री कुछ समय पहले हमने बात की, कैसा होगा, रेडियल सिमेट्री होगा, जर्म लेयर। आप लोग बताएं, हाँ किसी ने पूछा सर व्हाट इज गेम्यूल, हमने कहा गेम्यूल इज एन इंटरनल बडिंग विच अकर्स ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन एंड इट इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। एक इसी से रिलेटेड एक गेमा कप, गेमा कप वो मर्केंसिया में लीवर वर्ट ब्रायोफाइट्स है वहां पर, और यहां है गेम्यूल। अभी मैंने सबका आंसर दिया, रेडियल सिमेट्री जर्म लेयर, ये डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसा होगा, डिप्लो डिप्लोब्लास्टिक, सिलोम ऑस्टिलोमेट कह सकते हैं। ये सब अभी हमने देखा, अब इसके बॉडी की बात करते हैं। मान लो ये सिलेंट्रेट्स हैं, तो लाइक पॉरिफेरा इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई टू वॉल लेयर, आउटर लेयर को एपीडर्मिस कहते हैं, यह है एपीडर्मिस, इनर लेयर इज गैस्ट्रोडर्मिस, सपोज दिस इज गैस्ट्रोडर्मिस एंड अ लेयर ऑफ मेसोग्लिया, यह है बिल्कुल नॉन सेलुलर लेयर है, यह मेसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू लेयर, दिस इज मेसोग्लिया। एक बात और, जिस एनिमल में सिर्फ एक ही पोर प्रेजेंट हो उसको हम लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के नाम से जानते हैं, तो यहां इसका बॉडी प्लान कैसा होगा, ब्लाइंड सैक, दिस इज माउथ लोकेटेड अपॉन हाइपोस्टोम, यह है हाइपोस्टोम। व्हाई इज कॉल्ड सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा के बारे में तो समझ में आया कि पोर बियरिंग एनिमल है, हेंस इज कॉल्ड पॉरीफेरा, बट व्हाई इज कॉल्ड सिलेंट्रेटा, बिकॉज दे हैव लार्ज कैविटी एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। एक बात और, दिस सिलेंट्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया, व्हाई कॉल्ड निडेरिया, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड इट नीडोब्लास्ट, इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट जिसमें नीमेटोसिस्ट और ये फ्लैजिला लगा होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड दिस इज नीडोब्लास्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट, तो इट हेल्प्स इन एंकरेज और क्या, फूड कैप्चरिंग और भी कुछ, देन डिफेंस। अब देखो अभी पॉरीफेरा में, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, फिक्सेशन फूड कैप्चरिंग, अभी हमने पॉरीफेरा में डाइजेशन की बात की इंट्रासेलुलर, बट विच टाइप ऑफ डाइजेशन इज फाउंड इन दिस सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस, तो यहां इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर भी। अब जो नीट एस्पिरेंट हैं वो एक बात को और ध्यान में रख के जाएंगे, कोरल्स एनसीईआरटी में गिवन है, कोरल्स इंप्रिग्नेटेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, हां वो टाइप का डाइजेशन, बिल्कुल सही आपने बताया। अब देखो इसके बॉडी में दो फॉर्म है, जैसे यहां डायग्राम बनाया है, ये ऑरेलिया का है जिसको जेलीफिश कहते हैं, और ये एडेम्सिया है
जिसको हम लोग सी एनीमोन कहते हैं। यहां पर इसके लाइफ में या देयर लाइफ एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा। मेडुसा कैसा होगा? अम्ब्रेला शब्द का होगा और सॉलिट्री होगा, जबकि पॉलिप सिलिंड्रिकल होगा और सेसाइल होगा। इसका एग्जांपल यहां दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल, दैट मीन्स एडिम्सिया, या इसी को कहते हैं, इसी का दूसरा नाम सी एनीमोन। दिस इज ऑरिलिया, देखने से भी अम्ब्रेला से लग रहा है, या इसी का दूसरा नाम जेलीफिश है। बट इन ऑबिलिया पॉली प्रोड्यूसेस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, या इसी को कहते हैं मेटा जिनेसिस। कहां? ओबिलिया में। और इसी का दूसरा नाम सीफर, ये है सीफर, ये भी हर्माफ्रोडाइट होंगे। इसमें कुछ एग्जांपल है, एक तो हाइड्रा भी होता है, फाइसेलिया जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, अभी हमने देखा कुछ समय पहले ऑरेलिया, इसको जेलीफिश कहते हैं। इसके अलावा ओबिलिया, इसको सी फर कहते हैं, एडिम्सिया सी एनिमोन, पेनाटूला सी पेन, गोरगोनिया सी फैन को कहते हैं, एंड मेंड्रिना ब्रेन कुरल को कहते हैं। इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ये पेन की तरह, कलम की तरह दिखने वाला समुद्री कलम, दैट इज पेनाटूला है। मेटाजेनेसिस, तो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, इसको हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। फाइंड द करेक्ट मैच, 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। डी बिल्कुल सही जवाब, एडिम्सिया सी एनीमोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमने कहा कि जहां भी करेक्ट और इनकरेक्ट करना हो तो पहले उस करेक्ट और इनकरेक्ट को घेरा लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू निडेरियन? डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, तो शायद सही लग रहा है, लेकिन यहां आंसर वो होगा जो गलत लगेगा। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम, निडेरिया एग्जिबिट ऑर्गन लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू लेबल का। इसका मतलब ये गलत हो गया, और चूंकि ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो यही इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट आते हैं टीनोफोरा में। टीनोफोरा को कॉम्ब जेली या सी वॉलनट भी कहते हैं, कॉम्ब जेली। ध्यान रहे, अभी तक हमने पोरीफेरा और सिलेंट्राटा कहा, हमने कहा कि मोस्टली फाउंड इन मैरीन, बट ये ऑल फाउंड इन मैरीन, चूंकि ये सिलेंट्राटा से मिलता जुलता है, तो यहां भी सिमेट्री कैसा होगा? रेडियल। लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू। बॉडी की अगर बात करें तो इसमें 8 सिलिएटेड रो
ऑफ कॉम्प्लेट होता है, जो हेल्प करेगा लोकोमोशन में। खास बात, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेंस, दिस इज एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करता है। एक और खास बात, यहां पर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे पॉलीफेरा हमने देखा वहां सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों, सिलेंट्रेट्स में भी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों, जबकि इन दिस केस ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दैट मीन्स लार्वा प्रेजेंट होंगे। दो एग्जाम्पल यहां पर, एक प्लूरोब्रैंकिया और दूसरा टीनोप्लाना। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल, पॉरीफेरा में हमने कहा साइफा साइकॉन, एक यू एस्पोंजिया, यू एस्पोंजिया को कहा गया बाथ स्पॉन्ज, और एक स्पॉन्जिला जिसको कहा गया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अभी हमने सिलेंट्रेट्स पढ़ा, वहां हाइड्रा, दूसरा एडेम्सिया, एडेम्सिया को कहते हैं सीनिमोन, ऑरिलिया जिसको जेलीफिश कहते हैं, इसके अलावा हमने देखा मेंड्रिना जिसको ब्रेन कोरल कहते हैं, फाइशेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, ओबिलिया जिसको सी फर कहते हैं, पेनाटूला जिसको सी पेन कहते हैं, एंड गोरगोनिया जिसको सी फैन कहते हैं। और इस टीनोफोरा में दो एग्जाम्पल, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, दो एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। अब है फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। अब यहां से पहला जर्म लेयर, अभी तक हम लोग देखे डिप्लोब्लास्टिक, ये कैसा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक। अगर पैरासिटिक है इसमें हुक एंड सकर प्रेजेंट होगा, सिलोम और सिलोमेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन, यहां एनसीआरटी में पेज नंबर 51 में जहां प्लेटीहेलमिंथस है वहां ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में 60 में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखा। तो ये ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्रीशन के लिए अभी आगे भी हम लोग देखेंगे, एक सेल है फ्लेम सेल, या इसी को कहते हैं प्रोटो निफ्रेडिया या सोलेनोसाइट। एक बात और हम लोग को याद करना होगा, यहां से एक सवाल है वो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 301 में 11 का ए नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कॉर्डेट एनिमल वेयर फ्लेम सेल इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन, कॉर्डेट एनिमल्स वेयर फ्लेम सेल इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन, तो वहां आंसर होगा सिफेलोकॉर्डेट्स या एम्फियोक्सस। और यहां चूंकि हम लोग प्लेटीहेलमिंथस पढ़ रहे हैं तो यहां भी ये है फ्लेम सेल। एग्जाम्पल टेनिया, यहां पर हम लोग सिर्फ टेनिया याद करना है, वैसे टेनिया सोलियम भी होता है, पॉकवर्म कहते हैं, टेनिया से जिनाटा होता है जिसको हम लोग बीफम कहते हैं, फैसियोला, फैसियोला हिपेटिका इसको कहते हैं लीवर फ्लूक, और इसके अलावा एक ब्लड फ्लूक भी होता है सिस्टिसोमा। और एक खास बात और, किसके प्लेनेरिया में हाई पावर, अभी आगे देखेंगे भी, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन एबिलिटी, किसमें प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में। एक बात और, यहां अगर डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे भी प्लेटीहेलमिंथस में तो एलिमेंट्री कैनाल हैज ओनली वन पोर, और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके बाद के जितने भी फाइलम या क्लास होंगे सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां एलिमेंट्री कैनाल में दो पोर होगा, एक माउथ फॉर इंजेशन एंड दूसरा एनस फॉर इजेशन। अभी उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, बहुत सारा स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है सर, जीएमसी एट 550
5 मार्क्स पॉसिबल, अभी उस पर चर्चा हम लोग ना करें, अभी हम लोग इधर एनिमल किंगडम पर चर्चा करेंगे। फेसियोला हिपेटिका जिसको हम लोग लीवर फ्लू कहते हैं। एक बात और, ये टेप वर्म है, टेप के जैसा है और इसका बॉडी सेगमेंटेड लग रहा है, बट इन दिस केस एक्सटर्नल डिवीजन नेवर कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंटरनल डिवीजन, और इस कारण इस यहां फॉल्स सेगमेंटेशन भी होता है, इसको फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा की अगर बात करें तो बहुत सारे लार्वा यहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, जैसे मीरासेडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, सरकारिया, मेटा सरकारिया, हेक्साकांत, सिस्टी सर्कस, ऑंकोस्फियर, ये सब लार्वा प्लेटीएलमिंथ्स के होते हैं, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये है इंडो पैरासाइट, हुक एंड सकर पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एब्जॉर्ब्स फूड डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस, फ्लेम सेल एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन या वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस में हेल्प करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे यहां पर, हर्माफ्रोडाइट है दैट मीन्स बाइसेक्सुअल है, यहां तक प्लेटीहेलमिंथस तक पूरी तरह से एनिमल बाइसेक्सुअल है, लेकिन नेक्स्ट जो फाइलम आने वाला है एस्केलमिंथस, वो फिर से वहां पर सेक्स सेपरेट हो जाएंगे, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, और एक फाइलम और आगे आएगा एनिलिडा, जिसमें नेरिस के अलावे जितने भी एनिमल होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, चूंकि हमने बताया कि यहां पर बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट है, प्लेनेरिया हैज द पावर ऑफ रीजनरेशन एबिलिटी, प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन हो जाएगा आंसर इसका। अब है एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस में भी सिमेट्री, प्लेटीहेलमिंथस में भी बाइलेटरल सिमेट्री, और यहां भी सिमेट्री कैसा होगा, बाइलेटरल, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, यही याद रखना है, यही एक फाइलम ऐसा होगा जो स्यूडोसिलमेट होगा, अदरवाइज इसके आगे आने वाले जितने भी फाइलम होंगे या क्लास होंगे सभी सिलोमेट होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, इसको याद करना होगा, स्यूडोसिलोमेट। वैसे तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी ये भीभीआई हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर पूरी तरह से ऑर्गन सिस्टम लेवल का, और यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होंगे, बल्कि यही एक फाइलम है एस्केलमिंथस, जिसके बाद जितने भी फाइलम या क्लास होंगे सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। एक बात और आपको जेहन में रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल हैज टू पोर, दैट इज माउथ एंड एनस, और इसके आधार पर भी इसमें दो कैटेगरी है, एक प्रोटोस्टोमिया और दूसरा ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया जहां माउथ डेवलप्स अर्लियर, इस कैटेगरी में आने वाले एस्केलमिंथस से लेकर मोलस्का तक, मतलब एस्केलमिंथस हो, एनिलेडा हो, आर्थ्रोपोडा हो और मोलस्का हो, ये सब आते हैं किसमें, प्रोटोस्टोमिया में, प्रोटोस्टोमिया। हमने कहा कि माउथ डेवलप्स अर्लियर, और एग्जाम्पल हमने बताया एस्केलमिंथस से लेकर मोलस्का तक, जबकि दूसरा कैटेगरी है ड्यूट्रोस्टोमिया, ड्यूट्रोस्टोमिया दैट मीन्स एनस डेवलप्स अर्लियर, इसमें एडवांस ग्रुप आएंगे मोलस्का के बाद, सॉरी मोलस्का के बाद आने वाला इकाइनोडर्माटा, आफ्टर दैट हेमिकोडाटा और पूरा का पूरा कोडाटा।
रिप्रोडक्शन, यहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स सेपरेट, इसका बॉडी सर्कुलर होता है जिस कारण इसको राउंड वर्म कहते हैं, जबकि प्लेटी एलमिंथस फ्लैट बॉडी होता था जिस कारण उसको फ्लैट वर्म कहते थे। तो दैट मीन्स ये है राउंड वर्म। फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। इसके अलावे यहां पर एक्सक्रीटी पोर होते हैं, ये मेल और ये है फीमेल, सेक्स सेपरेट है। एक है स्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइट, ट्वेल्थ में बताया जाएगा या ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा, एक बीमारी कॉज करता है स्कैरियसिस। इसके अलावे इसका पूरा नाम उच्च रेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है फाइलेरियसिस, या इसी को एलिफेंटेसिस कहते हैं। और इसके अलावे एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम लोग हुक वर्म कहते हैं। इसके अलावे भी लोवा लोवा इस कैटेगरी में आते हैं, इंट्रोबायस होते हैं, जिसको एक को पिन वर्म कहते हैं। अब है फाइलम एनेलिडा। पहली दफा इस एनेलिडा को हम लोग सेगमेंटेड वर्म कहते हैं, सेगमेंटेड वर्म। यदि इस एनेलिडा में अर्थवर्म को बेस बनाकर यदि पढ़ाई शुरू करें, तो इस अर्थवर्म में 100 to 150 सेगमेंटेशन होता है, या बॉडी डिवाइड होता है सेगमेंट में, और इस कारण यहां पर ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी रेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। पांच बातें हमने कही, सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री कल एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी रेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ समय पहले हमने बताया था कि एनेलिड्स में एंड कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमने कहा सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेबल, ऑर्गन सिस्टम लेबल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पर एक्सक्रीटी ऑर्गन के रूप में निफ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स का एक्सक्रीटी प्रोडक्ट अमोनिया होगा, बिकॉज अमोनिया इज मोर टॉक्सिक एंड देयर रिमूवल रिक्वायर्स मोर वाटर। लेकिन अर्थवर्म के बारे में एक बात कही जाती है कि अर्थवर्म एग्जिबिट्स ड्यूअल एक्सक्रीशन, दैट इज रिलीजेस अमोनिया इन वाटर एंड सिक्रेट्स यूरिया ऑन लैंड। इसके अलावे मोस्टली बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट नेरिस। देखो इसको बढ़िया से समझने के लिए, जैसे एक है नेरिस, नेरिस में खास बात यह है कि एक तो ये यूनिसेक्सुअल होगा, यह है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, जबकि ये दोनों होंगे बाईसेक्सुअल। ये पाया जाएगा मैरीन में, ये पाया जाएगा फ्रेश वाटर में, और इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी और लैंड पर भी, फ्रेश वाटर में भी और लैंड पर भी। एक बात और, इसमें लोकोमोशन के लिए कोई बताएंगे,
मेरिस में लोकोमोशन कैसे होगा, व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ नेरिस, पारापोडिया, वेरी गुड, आप लोग तेज बच्चे हैं, यह पारापोडिया, जबकि इस अर्थवर्म में लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होता है सिटी, और यहां पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। एक बात और, अर्थवर्म के 14 टू 16 सेगमेंट के बीच में एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं क्लाइटेलम, और क्लाइटेलम का काम एक आउटर कवरिंग या कोकून बनाना होता है। दिस क्लाइटेलम इज एब्सेंट इन नेरिस, प्रेजेंट इन अर्थवर्म एंड डेवलप्स इन ब्रीडिंग सीजन इन द केस ऑफ लीच। बाद के क्लास में, जिसकी जरूरत हम लोग को नहीं है, इस नेरिस को पॉलीकीटा में रखा गया, इस फेरेतिमा पोस्थमा को ओलिगोकीटा में रखा गया है, और इस हाइरुडिनेरिया को हाइरुडिनेरा में रखा गया है या हाइरुडेनिया में रखा गया है। तो यहां पर तीन एग्जांपल आप याद रखेंगे, नेरिस जिसमें लोकोमोशन पारापोडिया से होगा, और ये एक एनालिड ऐसा है जहां सेक्स सेपरेट होगा। एक बात और, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा और क्लोज टाइप का होगा, और यहां भी ह्यूमन की तरह ब्लड का कलर रेड होता है ना, क्योंकि यहां भी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन के ब्लड सेल्स करते हैं। ये सब अभी हमने देख लिया, तीन एग्जांपल हमने देखा। अब आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, यह है लार्जेस्ट फाइलम। यह लार्जेस्ट फाइलम एक क्लास इंसेक्टा के कारण होता है, क्योंकि इंसेक्ट आर्थ्रोपोड फाइलम के अंतर्गत ही आने वाले क्लास हैं, और पूरे वर्ल्ड में यदि 12.5 लाख एनिमल स्पीसीज है तो मोर देन 7.5 लाख स्पीसीज सिर्फ इंसेक्ट का है। इसके कारण मोस्ट ऑफ द 2/3 इस अर्थ पर इंसेक्ट है, और इसी इंसेक्ट के कारण आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। एक बात और, एक एनिमल है जिसका नाम है पेरीपेटस। इट इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। यदि सिमेट्री की बात करें, एक लाइन में मैं बता देता हूं, सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी रिनाइजेशन, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होंगे, कंप्लीट होगा। आर्थ्रोपोडा ज्वाइंट अपेंडेजेस, अगर बॉडी की बात करें तो इसके बॉडी में तीन पार्ट होंगे, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इसके अलावा 2021 का नीट का आया हुआ क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन बने होते हैं किस चीज का, काइटिन का, वेरी गुड, और उन्होंने एन स्टाइल ग्लूकोसामिन भी लिख दिया, रश्मि रानी, वेरी गुड, काइटिन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इसके अलावे बॉडी को बैलेंस करने के लिए यहां पर एक बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट है क्या, स्टेटोसिस्ट। अब यहां रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें
पहले सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन कैसा होगा? ओपन टाइप का होगा। ब्लड कैसा होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि किसी भी तरह के कोई पिगमेंट्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये कलरलेस होता है। और इसके ब्लड का नाम, इसके ब्लड को हम लोग बोलचाल की भाषा में हीमो लिम्फ कहते हैं। डाइजेशन, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा होगा? कंप्लीट होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मोस्टली होगा ट्रेकिया के थ्रू। इसके अलावे बुक गिल्स, गिल्स एंड बुक लंग्स जो अरेकनिड्स में, स्कॉर्पियन स्पाइडर में होते हैं, यह है बुक लंग्स। सेंस ऑर्गन, यहां पर कंपाउंड आई, एक्सक्रीशन के लिए मोस्टली इंसेप्ट जो होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए मालपिगियन ट्यूबुल, इसके अलावे मोस्टली यही एनसीईआरटी में दिया है तो इसी को याद रखें। लेकिन क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड और अरेकनिड में कॉक्सल ग्लैंड भी होता है। सेक्स सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। एग्जांपल की बात करें, यहां मैं लिखता हूं एग्जांपल। एक तो जो कॉमन एग्जांपल है कॉकरोच पेरिप्लानाटा अमेरिकाना, इसके अलावा लिपिश्मा, लिपिश्मा कहते हैं सिल्वर फिश को। इसके अलावा प्रॉन, इसके अलावा हनी बी या बीज कहते हैं। एक आपके एनसीईआरटी में लिमुलस दिया है, लिमुलस को कहते हैं किंग क्रैब। ये लिविंग फॉसिल कंसीडर किया जाता है। और एक है लोकस्टा या लोकस्ट, ये ग्रिगेरियस पेस्ट है। इसके अलावे हाउसफ्लाई, बीज को हम लोग बहुत सारी कैटेगरी हैं इसमें, जैसे एपिस इंडिका, डोरसाटा, मेलिफेरा, फ्लोरी, हाउसफ्लाई, दैट इज मस्का डोमेस्टिका। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, अभी हमने कहा सिल्वर फिश लिपिश्मा है ना, जबकि ये सब जो देख रहे हैं ये कटल फिश, ये मोलस्क है, सिपिया कहते हैं। फ्लाइंग फिश एग्जोकिटस, ये फिश है, ये एग्जोस्केलेटन के कारण। और एक सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो ज्वाइंट अपेंडेजेस होंगे ही, पारापोडिया या नहीं होंगे। पारापोडिया हमने देखा था कहां? पारापोडिया हमने देखा था अभी एनेलिड्स के नेरिस में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर डी। नेक्स्ट मोलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। एक एनिमल के बारे में आपको याद करना होगा जिसका नाम है नियोप्लीना। इस नियोप्लीना को कनेक्टिंग लिंक कंसीडर करते हैं एनिलिडा एंड मोलस्का का। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले पीरीपेडस की, जो एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक था, और यहां यह है नियोप्लीना, ये कनेक्टिंग लिंक है
एनिलिडा एंड मोलस्का का सिमेट्री बाइलेटरल लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेबल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यदि बॉडी की बात करें तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहां भी कंप्लीट होगा, आर्थ्रोपोडा में भी कंप्लीट है, ये मान लेते हैं इसका एलिमेंट्री कैनाल है। सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है तो इसके बॉडी में ये है हेड, विसरल हम्प, विसरल हम्प, और एक है मस्कुलर फुट है। इसके अलावे ये विसरल हम्प ये कवर्ड है मेंटल से, और यह है मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। मेंटल का काम क्या होगा? सीक्रेट शेल जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। यह पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक भी है, स्पेशल फीचर भी मोलस्का का, बट शेल इज एब्सेंट इन, शेल एब्सेंट होगा कहां? ऑक्टोपस में, एंड इज इंटरनल इन सिपिया और कटल फेस। यहां भी सर्कुलेशन की बात करें तो ये ओपन टाइप का होगा, एक्सेप्शन की बात मैं नहीं करूंगा, यहां कुछ एक्सेप्शन भी है ना, जैसे कुछ लोग सिफेलोपोड्स के बारे में पूछ सकते हैं, ऑक्टोपस के बारे में पूछ सकते हैं, वो सब चर्चा यहां नहीं करेंगे। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड का कलर ब्लू है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोसायनिन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, एक्सक्रीशन के लिए भी गिल्स, रिप्रोडक्शन सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल वाटर में, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। यदि एग्जांपल की बात करें तो एक पाइला है जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंक टाडा जिसको पर्ल ऑस्टर कहते हैं, सिपिया कटल फिश है, लिलीगो जिसको सी स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस को डेबिल फिश कहा जाता है, और एक है प्लेशिया जिसको सी हेयर कहते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल मोलस्का का जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम लोग बात करते हैं एक और है डेंटेलियम, टसल एलिफेंट की टीथ की तरह एंड ओपन सेट बोथ साइड, और एक है काइटॉन। ये दो एग्जांपल और एनसीईआरटी में दिया हुआ, और ये भी मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। एक्वेटिक एनिलेट्स लाइक नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस, इसका नाम मैं तो भूल गया, आप लोग आंसर बताएं। अब भी मेरे जैसे भूल जाते हैं लगता है शायद। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब, पृथ्वी आयुष, और सभी लोगों का सही जवाब बिल्कुल, धन्यवाद आपका याद दिलाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स आर बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल कौन होगा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अर्थवर्म और लीच, जबकि नेरिस यूनिसेक्सुअल होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा चॉइस नंबर डी। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय, तो अभी हमने देखा था एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, तो आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर डी। फाइंड द करेक्ट मैच लिमलस किंग क्रैप एपिस, अभी हमने कहा कि एपिस इंडिका ये हनी बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फाइंड द इनकरेक्ट, ये सब सही है क्योंकि एपिस इंडिका ये हम लोग कहते हैं हनी बी को, बिल्कुल सही जवाब डी है।
Which of the following statement is incorrect? Nephridia help in osmoregulation and excretion. सही है. Nephridia helps in osmoregulation and excretion. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods. The body of arthropod consists of head, thorax and abdomen. तो जो बच गए वो आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रीगरियस पेस्ट था, वो डिजीज कॉज नहीं करता है. पेस्ट हम लोग कहते हैं उस इंसेक्ट को जो पार्टिकुलर क्रॉप को नुकसान करता है. अब है इकाइनोडर्माटा. टीनोफोरा की तरह इकाइनोडर्माटा ही एक्सक्लूसिवली मैरीन होगा. यहां हमने कुछ समय पहले बात की थी सिमेट्री में, तो यहां रेडियल भी होगा, लेकिन रेडियल सिमेट्री होंगे एडल्ट में, जबकि बाइलेटरल सिमेट्री भी होगा. ये बाइलेटरल सिमेट्री कहां होगा? लार्वा में. ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम यहां भी कंप्लीट. एलिमेंट्री कैनाल में दो पोर होंगे, माउथ एंड एनस. खास बात यहां पर ये कि माउथ इज प्रेजेंट एट वेंट्रल और लोअर सरफेस, जबकि एनस इज प्रेजेंट एट डॉर्सल और अपर सरफेस. यहां एनसीईआरटी के अनुसार एक्सक्रेटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा. वाटर कैनाल सिस्टम थोड़ी देर पहले हमने देखा था पॉरीफेरा में, और यहां पर वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम जो कि फूड कैप्चरिंग में, लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा. उसमें ट्यूब फिट लगे होते हैं. रिप्रोडक्शन यहां भी सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और यहां भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. यदि इसके एग्जांपल की बात करें, एक है ए, बी, सी, डी और ई. पांच एग्जांपल हम लोग को याद करना है. ए फॉर एस्टेरियस, दैट इज स्टारफिश. बी फॉर ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार कहते हैं ओफ्यूरा को, लिखा होगा कहीं ओफ्यूरा. सी फॉर कुकुमेरिया, ये कहते हैं सी कुकुम्बर को. डी डॉन, दैट मीन्स एंटीडॉन, यह है सी लिली. और ई कहते हैं एकिनस को, दैट इज सी अर्चिन. ये पांच एग्जांपल याद रखना होगा, ए बी सी डी ई. ए फॉर एस्टेरियस स्टारफिश, बी फॉर ब्रिटल स्टार ओफ्यूरा, सी फॉर कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, डी डॉन एंटीडॉन दैट इज सी लिली, एंड ई एकिनस दैट इज सी अर्चिन. नॉन क्वाड्राटा में एक और बच गए, हेमिक्वाड्राटा. हेमिक्वाड्राटा वर्म लाइक, और इनका बॉडी तीन रीजन में डिवाइड होता है, कॉलर, नेक, और कॉलर, नेक एंड ट्रंक में. तो ये सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें यहां पर, सॉरी, अगर इसके बॉडी की बात करें तो बॉडी में तीन पार्ट है. एक है प्रोबोसिस, सूंड, कॉलर, और फिर ये रीजन ट्रंक. सिमेट्री कैसा होगा अब आगे जितने भी आएंगे, बाइलेटरल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. एक बात और, इस रीजन में एक नोटोकॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड. और इसी कारण इस हेमिकॉर्डेट को या इसके रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन नॉन क्वाड्राटा एंड क्वाड्राटा. हाँ बिल्कुल, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में, यह है ट्रंक. इसके अलावा बॉडी की बात हमने की,
इसके पहले सर्कुलेटरी या सर्कुलेशन की बात करें तो यहां सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा। अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन, इसके लिए गिल्स होंगे। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसके लिए एक प्रोबोसिस ग्लैंड है, यह है प्रोबोसिस ग्लैंड। सिक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। दो एग्जांपल भी हैं, एक है बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस जिसको टंगवर्म कहते हैं, और एक है सेकोग्लोसस। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस में एब्सेंट होंगे, इकाइनोडर्माटा में। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ये सब फीचर कहां प्रेजेंट होगा, बेलेनोग्लोसस, हेमिकॉर्डेट्स में। अभी तक हमने एक फाइलम पढ़ा, नॉन कॉडाटा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब है कॉडाटा। कॉडाटा में ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स है और ये है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। और यहां नर्व कॉर्ड कैसे होंगे, होलो, सिंगल, डॉर्सल। और ये है यहां पर नोटोकॉर्ड और ये फेरेंजियल गिल्सलेट, फेरेंजियल गिल्सलेट्स हो गए। और यहां पर पोस्ट एनल पार्ट या टेल। अब क्वाड्रेट्स एंड नॉन क्वाड्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रेट्स में जैसा कि नाम से लग रहा है, कॉर्ड बियरिंग एनिमल, नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल को हम लोग क्वाड्रेट कहते हैं, यहां एबसेंट होंगे। यहां नोटोकॉर्ड एबसेंट है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, होलो एंड सिंगल, जबकि जो भी नॉन क्वाड्रेट होते हैं यहां पर डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स यहां एबसेंट है। हार्ट इज वेंट्रल, यहां हार्ट डॉर्सल, जैसे हम लोग हैं यहां हार्ट का पोजिशन क्या है, वेंट्रल है। पोस्ट एनल पार्ट या टेल इज प्रेजेंट, यहां एबसेंट। अब देखिए इस कॉडाटा में तीन सब फाइलम हम लोग को पढ़ने हैं। एक है यूरोकॉडाटा, दूसरा सिफेलोकॉडाटा और तीसरा वर्टीब्राटा, जिसको हायर कॉडेट भी कहते हैं। यह है वर्टीब्राटा। यूरोकॉडाटा, यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब ऐसा क्वाड्रेट्स जिसमें टेल प्रेजेंट हो कॉल्ड यूरोक्वाड्रेट्स, एक बात। दूसरी बात, ये मैरीन एनिमल है। तीसरी बात, इसके बॉडी एक कवरिंग से सराउंड होते हैं जिसको ट्यूनिक कहते हैं, इस कारण इसको ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है। चौथी बात, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होंगे बट नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन टेल एंड टेल इज ओनली प्रेजेंट इन लार्वा, दैट मीन्स when they terminate into adult, their notochord and tail gets degenerate and this process is called retrogressive metamorphosis. हमने बताया कि body cover होगा, covered by क्या, tunic। हमने कहा notochord इन टेल एंड टेल इन लार्वा, इन एडल्ट नोटोकॉर्ड इज एबसेंट, नोटोकॉर्ड यहां पर एबसेंट होंगे।
यूरोकोडाटा। और इस घटना को हम लोग नाम देते हैं क्या, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में एक है सीडिया, एक हर्डमानिया, इसी को सी पोटैटो या सी स्क्विड भी कहते हैं, सल्पा, और एक है डोलियोलम, ये यूरोकोडेट। सिफेलोकोडेट की बात करें, सिफेलस का मतलब होता है हेड या स्नाउट्स, मतलब नोटोकॉड एक्सटेंड्स अप टू द स्नाउट, बॉडी इसका लेंस के जैसा होता है। अगर ये इसका बॉडी है तो दिस इज द नोटोकॉड। दे आर जनरली फाउंड इन सैंडी कोस्ट में पाए जाते हैं, सैंडी कोस्ट में पाए जाते हैं, मरीन में पाया जाता है, ये है नोटोकॉड। और नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकॉडेट एंड सिफेलोकॉडेट्स में दो डिफरेंस, पहली बात कि यूरोकॉडेट में नोटोकॉड ओनली प्रेजेंट इन लार्वा, बट इन दिस केस नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। दूसरी बात हमने कहा कि वहां रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रहा है। इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, एम्फियोक्सस, इसी का दूसरा नाम ब्रैकियो अस्टोमा है, या इसी को लेंसलेट भी कहते हैं। ये सिफेलोकोडेट्स। अब तीसरे सफाइलम की तरफ बढ़ते हैं, ये वर्टिब्राटा। यहां नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावे नर्व कॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज कवर्ड बाय ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेनियाटा, इसको क्रेनियाटा भी कहते हैं। अब इसमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। एक्चुअली वर्टिब्राटा में दो सेक्शन होते हैं, एक इग्नाथा विदाउट जॉ और दूसरा नेथ्रोस्टोमाटा विथ जॉ। तो इस एग्नाथा सेक्शन में एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा एक तो ये मैरीन में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा मैरीन में। इसके अलावे ये भी सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और यहां भी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होंगे, कंप्लीट होंगे। ये वर्टिब्रेट तो है लेकिन हम लोग की तरह यहां वर्टिब्रल कॉलम बोनी नहीं है, कार्टिलेजनस है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस, ये कैसा है, कार्टिलेजनस है। रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर गिल्स प्रेजेंट हैं या गिल्सलेट प्रेजेंट हैं। इसके अलावे अस्केल एंड यहां अस्केल एंड पेयर्ड फिन्स कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे,
खास बात यह कि चूंकि यहां जॉ नहीं है, इसको राउंड माउथ फिश भी कहते हैं, वैसे फिश नहीं है क्योंकि यहां फिन्स एब्सेंट है। दे हैव सकर बियरिंग माउथ एंड फाउंड एज इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। इसके माउथ में सकर लगे होते हैं। हमने कहा सकर बियरिंग माउथ एंड फाउंड एज इक्टोपैरासाइट, फाउंड एज इक्टोपैरासाइट इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश। इसमें दो कॉमन एग्जाम्पल, एक लैम्प्रे जिसको पेट्रोमाइजन भी कहते हैं और दूसरा मिक्सिन जिसको हैग फिश हम लोग कहते हैं। एक बात और, इसमें माइग्रेशन होता है। फिश में दो तरह के माइग्रेशन होते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन एंड एनाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन उस माइग्रेशन को कहते हैं जहां एनिमल प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में, लेकिन ब्रीडिंग के लिए ये चला जाता है कहां, मैरिन में। दूसरा एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन में एनिमल्स आर फाउंड इन मैरिन और ओशियन, बट फॉर रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग दे माइग्रेट टुवर्ड द रिवर। इसी कैटेगरी में हिलसा मछली भी है और इसी में यह भी आता है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में यह बताया कि माइग्रेशन के बाद जब ये फ्रेश वाटर में आते हैं तो आफ्टर लिंग एक मदर डाइज। तो यहां सवाल पूछ रहा है कि जॉलेस फिश दैट मीन साइक्लोस्टोमाटा विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज अमोसिट्स लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन एज। तो यहां पर कह रहा है रिटर्न टू द ओशियन एज, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा है, तो दैट इज मिक्सिन। अब सुपर क्लास पाइसेस, पाइसेस की अगर बात करें, सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी नेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होंगे। अब देखो इसमें पेयर्ड फिन प्रेजेंट होंगे, एक बात। दूसरी बात, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होंगे। तीसरी बात, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्लोज ही होगा, हार्ट कितने चैम्बर्ड के होंगे, 2 चैम्बर्ड के। आप याद रखेंगे फिश का इवोल्यूशन पहले हुआ तो फिश में हार्ट 2 चैम्बर्ड, आफ्टर दैट एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड, आफ्टर दैट रिप्टिलिया वहां भी 3 चैम्बर्ड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जहां 4 चैम्बर्ड के हार्ट देखने को मिलते हैं, जबकि एप्स और मैमल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड के हार्ट देखेंगे, हार्ट देखने को मिलेगा। तो यहां 2 चैम्बर्ड का हार्ट है। इसके अलावे क्रैनियल नर्व की अगर बात करें तो यहां पर 10 पेयर क्रैनियल नर्व होते हैं। अब एक टर्म है कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मस कहते हैं। पोइकिलोथर्मस मीन्स बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू एटमोस्फेयर अप टू रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स तक के जितने भी एनिमल होंगे सभी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, जबकि एप्स एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड जिसको हम लोग होमियोथर्मस कहते हैं वे भी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड। आपसे कोई पूछे कि फिश ओवी पेरस होगा या बीवी पेरस होगा, तो जवाब होगा ओवी पेरस भी, अभी हम लोग देखेंगे भी, और बीवी पेरस भी। बीवी पेरस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा या एक्सटर्नल, तो ये सिर्फ पाइसेस की बात करें, जब कॉन्डियक्थिस और ऑस्टियक्थिस की अलग से हम लोग बात करेंगे तब वहां पर डिफरेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी एंड एक्सटर्नल भी। अब देखिए इसमें 2 कैटेगरी है, एक कार्टिलेजनस फिश और एक बोनी फिश। कार्टिलेजनस फिश मोस्टली मैरीन है
और ये मरीन के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। इंडोस्केलेटन, जैसा कि नाम से लग रहा है कार्टिलेजनस फेस, इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जबकि इस केस में बोन्स। यहां माउथ इज वेंट्रल, ये देखो ये है वेंट्रल माउथ, और यहां माउथ इज टर्मिनल, यह है टर्मिनल माउथ, यह है टर्मिनल माउथ। स्केल्स आर प्लेक्वाइड, यहां पर टीथ लाइक स्केल होते हैं, प्लेक्वाइड का मतलब टीथ लाइक, टीथ लाइक। और इस केस में स्केल्स आर साइक्लोइड, ये सब साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इस केस में टेल असिमेट्रिक या हेट्रोसर्कल, दिस इज हेट्रोसर्कल टेल, बट इन दिस केस टेल इज होमोसर्कल, यह है होमोसर्कल टेल। ऑपरक्यूलम इज प्रेजेंट, यहां यह है ऑपरक्यूलम, जबकि यहां गिल्स नेकेड है, ऑपरक्यूलम इज एबसेंट। क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट इन मेल्स, कॉपुलेशन के लिए यहां पर कार्टिलेजियस फिश में क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि इस केस में क्लैस्पर्स आर एबसेंट। ये वीविपेरस, ये ओविपेरस। एक बात और, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन, तो यहां फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, जबकि इस केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे, एक्सटर्नल। यदि एक्सक्रीटी प्रोडक्ट की बात करें, तो इसका एक्सक्रीटी प्रोडक्ट होगा यूरिया, जबकि इस केस का एक्सक्रीटी प्रोडक्ट यहां पर क्या होंगे, अमोनिया। इसके अलावा इसके लीवर के ऊपर ऑयल डिपॉजिट रह सकते हैं, यहां ऑयल डिपॉजिट्स एब्सेंट होते हैं। ये सब कुछ खास बात दोनों में डिफरेंस का। अब यदि इसके एग्जांपल की बात करें, कार्टिलेजनस फिश और यह है बोनी फिश, बोनी फिश, यह है स्कॉलियोडॉन, जिसको कहते हैं डॉग फिश या शार्क। इसके अलावा एक है टॉर्पेडो, टॉर्पेडो को कहते हैं इलेक्ट्रिक रे। एक है ट्रिगन, ट्रिगन को कहते हैं स्टिंग रे। एक है प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को नाम देते हैं सॉफिश। बोनी फिश के एग्जांपल की बात करें, कतला कतला, कतला फिश को कहते हैं लेबियो रोहिता, रोहू को कहते हैं हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, ये सी हॉर्स को कहते हैं। इसके अलावा एक्सोकीटस, ये फ्लाइंग फिश को कहते हैं, फ्लाइंग फिश। इसके अलावा हिप्टोन्यूस्टस, सिंघी मछली को कहते हैं, श्नेस मृगला, मृगला को कहते हैं। इसके अलावा फाइटिंग फिश भी, यहां पर बेटा जिसको कहते हैं, ये सब इसका एग्जांपल, टेरोफाइलम, एंजल फिश, ये सब। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। एम्फी मींस बोथ, और बायस मींस
life. Means they are able to live both water or on land. एक बात याद रखना है, evolution और animal kingdom से related एक सवाल, fish के golden period की अगर बात की जाए, golden age of fish, तो वो होता है Devonian period. और यदि golden age of amphibians की बात की जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं Cenozoic era. वो होता है हमारा, सॉरी, कार्बोनिफेरस पीरियड. अगेन आई रिपीट, डेवोनियन पीरियड को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ फिश, और ये है एम्फीबिया का गोल्डन एज, कार्बोनिफेरस पीरियड. कार्बोनिफेरस पीरियड, एक एनिमल है डिप्नोई, जिसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है फिश एंड एम्फीबिया के बीच का. ये भी सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी रिलेशन, और यहां डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट. देखो, फिश एपोडा था विदाउट लिम्ब, वहां लिम्ब प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन ये टेट्रापोड है, यहां पर फोर लिम्ब होगा, यहां स्केल एबसेंट होंगे. इसके अलावे बॉडी डिवाइड होंगे हेड एंड ट्रंक में, यहां पर नेक प्रेजेंट नहीं है. बॉडी कवर्ड होता है मॉइस्ट स्किन से. यदि सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहां पर हार्ट थ्री चैम्बर्ड का होगा. अगर रेस्पिरेशन की बात करें, तो यहां रेस्पिरेशन में वेरिएशन है. वेरिएशन कहने का मतलब, यहां लार्वा में गिल्स भी हो सकता है. इसके अलावे हाइबरनेशन एस्टिवेशन में स्किन भी होता है, लंग भी होते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, और इसके अलावे ब्यूको फेरिंजियल कैविटी. एक खास बात यह कि इसके एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होगा, लेकिन इसके एलिमेंट्री कैनाल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड इट क्लोएका. क्लोएका कहते हैं, इट इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट. और साथ ही साथ इस रीजन से यदि मेल है तो यूरिनोजेनिटल डक्ट, और फीमेल है तो यहां पर यूरेटर अलग, और एक फेलोपियन ट्यूब का ओपनिंग भी होता है. दिस रीजन इज कॉल्ड क्लोएका एंड इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू क्लोएकल एपर्चर. तो यहां एनदर एनिमल की तरह रिक्टम एंड एनस देखने को नहीं मिल रहा है, यह है क्लोएका. यहां अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, तो यहां पर फिश की तरह ही यहां भी 10 पेयर क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होंगे. इसके अलावे यह भी कोल्ड ब्लडेड होगा, कोल्ड ब्लडेड होंगे. यहां सेक्स सेपरेट होगा, लेकिन यहां फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट यदि इसके एग्जांपल की बात करें, तो एक है हाइला, इसको ट्री फ्रॉग कहते हैं हम लोग. इसके अलावे ब्यूफो जो टोड है, एक लिम्बलेस एम्फीबियन भी होते हैं. इस लिम्बलेस एम्फीबियन को हम लोग कहते हैं इक्थियोफिस, इक्थियोफिस, या इसी को कहते हैं सिसिलियन. खास बात हमने क्या देखा, ये लिम्बलेस एम्फीबिया है. एक ऐसे भी एम्फीबिया हैं जिसमें टेल लगे होते हैं, टेल बियरिंग एम्फीबियन, इसको कहते हैं सेलेमेंडर. यह है टेल बियरिंग एम्फीबिया. और इसके अलावे फ्रॉग जो राना टिग्रिना कहते हैं. इस एम्फीबिया के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है रिप्टाइल्स का. यह भी सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
bilateral symmetry, organ system level का body organization, digestive system complete होगा। इसके अलावे यहां लिख देता हूं, यह है digestive system complete। यहां भी फोर लिम होंगे, ये भी टेट्रापोड हैं। हाँ, ये आलोक दुबे ने बताया फिश में, सॉरी एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में, दोनों में टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। यहां भी टिम्पेनम और वहां भी टिम्पेनम, यहां टिम्पेनम प्रेजेंट होगा, बॉडी कवर्ड होगा स्केल से। एनसीईआरटी के अनुसार इसमें खास बात यह होती है कि स्नेक्स एंड लिजार्ड, स्नेक एंड लिजार्ड शेड ऑफ देयर स्किन, शेड ऑफ स्किन एंड इट इज कॉल्ड, इसको नाम देते हैं हम लोग स्किन कास्ट। यदि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहां हार्ट थ्री चैम्बर्ड, लेकिन इस क्रोकोडाइल में हार्ट होंगे फोर चैम्बर्ड का। यदि रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए यहां पर पूरी तरह से डेवलप लंग्स है, यहां भी सेक्स सेपरेट, सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे इंटरनल, और यहां डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। यह है डायरेक्ट डेवलपमेंट। यदि एग्जांपल की हम लोग बात करें, यदि इसके एग्जांपल की बात हम लोग करें तो इसमें टर्टल, करैत, नाजाज, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब कैटेगरी। और नेक्स्ट जो क्लास है हमारा, यह है फ्लाइंग वर्टिब्रेट, दैट इज एप्स। ये भी सिलोमेट, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होंगे कंप्लीट होंगे। खास बात यह कि इसके एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में दो तीन खास बात है। एक क्रॉप, क्रॉप का काम फूड स्टोरेज, और मैस्टिकेशन के लिए यहां पर प्रेजेंट होंगे गिजार्ड, एक बात। दूसरी खास बात यह कि यहां जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक, और साथ ही साथ टीथ एब्सेंट, यहां टीथ नहीं होंगे, जिसके कारण फूड का फाइनल मैस्टिकेशन कहां होगा गिजार्ड में होगा। फूड का फाइनल मैस्टिकेशन गिजार्ड में होगा, कॉकरोच में भी हम लोगों ने ऐसा ही देखा था। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यहां प्रेजेंट है लंग्स, साउंड प्रोडक्शन के लिए हम लोगों में लैरिंग्स होता है, और यहां पर प्रेजेंट है साइरिंग्स। बॉडी कवर्ड होगा फीदर से, एंड फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। खास बात यह कि इसके जो लॉन्ग बोन्स होंगे वो कैसे होंगे न्यूमैटिक, न्यूमैटिक मतलब हॉलो, जिसके कारण विल अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। यहां पर एक डेवलपमेंट होगा रिप्टाइल्स एम्फीबियंस के ऊपर इस एप्स में, एक तो ये होमियोथर्मस हो जाएंगे, दैट मीन्स वार्म ब्लडेड हो जाएंगे। इसके नीचे जितने भी एनिमल का कैटेगरी था वो सब कोल्ड ब्लडेड थे, ये वार्म ब्लडेड हो जाएंगे, ये डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि यहां हार्ट कैसा होगा कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होंगे। एक और डेवलपमेंट इसके क्रैनियल नर्व में, हालांकि क्रैनियल नर्व 12 पेयर रिप्टाइल्स में भी थे, लेकिन फिश और एम्फीबियन में 10 पेयर थे, तो यहां क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर होंगे। सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन
इंटरनल ओवीपेरस और डेवलपमेंट डायरेक्ट, क्योंकि लार्वा नहीं होंगे। एग्जांपल की बात करें, नियोफ्रॉन, ये कहते हैं भल्चर को। इसी तरह से सीटाकुला, पेबस, पेबो, ये कहते हैं पिकॉक को। सीटाकुला कहते हैं, पैरोट को कहते हैं, कार्वस क्रो को कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है हम लोग का, ये है मैमल्स। ये भी सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे कंप्लीट। एक बात और, यदि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हम लोग बात करें तो जितने भी क्वाड्रेट्स हैं, फिश हो, एम्फीबिया हो, रिप्टिलिया हो, एप्स हो या मैमल्स हो, सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे होंगे, क्या होगा, किडनी होगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि किडनी तीन तरह के होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक मोस्ट एडवांस किडनी होता है, जहां नेफ्रॉन इज क्लियरली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, दैट इज पीसीटी, लूप ऑफ एनले एंड डीसीटी। और ये देखने को मिलते हैं रिप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स में, जबकि फिश और एम्फीबियंस में मेजोनेफ्रिक, जहां नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, एक वुमेन कैप्सूल होते हैं और दूसरा रीनल ट्यूबुल होते हैं। इसी तरह से एक प्रोनेफ्रिक साइक्लोस्टोम में होते हैं, जहां नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। मैमल्स हम लोग देखने वाले हैं। मैमल्स हमने कहा सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम यहां कंप्लीट होगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेशन के लिए बर्ड्स की तरह, रिप्टाइल्स की तरह यहां भी लंग्स होंगे। एक्सक्रीशन के लिए यहां किडनी प्रेजेंट होंगे, एक डायफ्राग्म प्रेजेंट होगा, डायफ्राग्म जो डिमार्केट करेगा थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को। इसके अलावे यहां पिन्ना प्रेजेंट होंगे, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है। ये सब कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक जो यहां देखने को मिलते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, यहां भी सेक्स सेपरेट। इसके अलावे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट कितने चैम्बर्ड के होंगे, 4 चैम्बर्ड का हार्ट, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। क्योंकि सर्कुलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ फिश का, 2 चैम्बर्ड हार्ट सिंगल सर्कुलेशन, उसके बाद एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड हार्ट डबल सर्कुलेशन, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रिप्टाइल में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जबकि इन दिस केस दैट मीन्स एप्स एंड मैमल्स में डबल कंप्लीट सर्कुलेशन पाए जाते हैं। अब यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे इसमें एक कैटेगरी होते हैं प्रोटोथेरियन एगलिंग, इसमें ऑर्निथोरिंकस ऑर्निथोरिंकस ये कहते हैं किसको, प्लेटिपस को। और एक है किडना, बोथ आर एगलिंग। इसके बाद कैटेगरी आता है कंगारू मैक्रोपस, ये
यहाँ दे आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये मेटाथेरियन है, मतलब प्लासेंटा तो होगा बट लेस डेवलप होगा, जिसके कारण यंग वंस आर बॉर्न इन इमैच्योर स्टेज और इनमें एब्डोमिनल पाउच या मार्सुपियम प्रेजेंट होता है, जिसमें प्री मैच्योर बेबी को मदर उसमें डाल लेती है। इसके अलावे नेक्स्ट जो यूथेरिया की बात करें तो वहां बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है, बैट है, ये एलिफेंट है। इसमें भी ये जो हम लोग कॉर्डेट्स देख रहे हैं या कॉर्डेट्स में जो हमने मैमेलिया देखा, इसमें बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, जैसे एक प्रोबोसिडा है। तो ये बात हम लोग को नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि ऐसा मैमल्स जिसमें प्रोबोसिस है, तो दैट इज एलिफेंट। एलिफेंट ये हैबियस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल के कैटेगरी में भी आता है। ठीक इसी तरह से एक सिटेसिया होता है, ऐसे एनिमल या ऐसा मैमल्स जिनका बॉडी फिश लाइक होता है। इसके अलावे इसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वेल हो जाएंगे, ये हैबियस्ट मैमल भी है। इसमें क्रिप्टेरा होता है, क्रिप्टेरा हम लोग फ्लाइंग मैमल्स को कहते हैं। फ्लाइंग मैमल्स के कैटेगरी में आने वाला ये बैट हो जाएगा, जिसको चमगादड़ हम लोग कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी होते हैं और ये इसका एग्जाम्पल। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड। आंसर बताएं आप लोग। ये वर्टिब्रेट है जिसमें क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में। एनीवन? दुबे जी सी बता रहे हैं, ये तो गलत नहीं बताते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड, वो सभी लोग सी बता रहे हैं, तब तो सही होगा। बिल्कुल ये है सी नंबर। विच वन ऑफ दिज एनिमल इज नॉट ए होमियोथर्म, मतलब वार्म ब्लडेड नहीं है। तो सीटाकुला ये पैरोट को कहते हैं, तो ये एप्स है, ये तो होगा। कैमलस कैमल है, ये भी होगा। मैक्रोपस ये कंगारू को कहते, ये भी होगा। तो एक बच गया चेलोन, ये रेप्टाइल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ये नीट 18 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी नीट 18 का ही सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं होगा? सही जवाब अर्थवर्म। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट, तो क्या होगा यहां पर? कॉर्डेट के जैसा यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? एनीवन? वन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इन केस ऑफ पॉलीफेरेंस द स्पॉन्जोसिल इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड, ये कुछ समय पहले भी हमने देखा, क्वेनोसाइट। विच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, मैमल्स तो है लेकिन एक्वेटिक है, जैसे चेक करते ट्रिगन, तो ट्रिगन को हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले स्टिंग रे कहा था, तो ये फिश था, ये होगा नहीं। यहां भी ट्रिगन, ये भी नहीं होगा। ये शार्क, ये भी नहीं होगा। शार्क भी क्या है? फिश है। तो करेक्ट आंसर इज, हाँ बिल्कुल, चॉइस नंबर वन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑपरक्यूलम कॉन्डेक्टिस या कार्टिलेजियस फिश में एबसेंट था। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये भी गलत है। ऑल रिप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, दिस इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following feature is not present in phylum Arthropoda? Arthropoda में क्या नहीं होगा? तो पारापोडिया नहीं होगा, यह सवाल भी शायद हम लोगों ने पहले देखा. Which of the following characteristic feature always holds true for the corresponding group of animals? Following character feature always hold true for the corresponding. Three chambered heart with one incompletely divided ventricle reptilia में. Viviparous mammal ये तो नहीं होंगे. Possesses a mouth with an upper and lower jaw, caudata, ये भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने cyclostomata में देखा. Cartilaginous endoskeleton, ये conductis में, तो ये होना चाहिए इसका आंसर. This is the correct answer. इस तरह से ये एनिमल किंगडम बहुत बड़ा टॉपिक और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से तीन क्वेश्चन आने की संभावना. इसके एग्जाम्पल को खास करके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग को देख लेना है और नीट में बढ़िया परफॉर्म करके आना है. इसके लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट. थैंक यू.